सर्वप्रथम तो आप सारे लोगों को नवरात्रि, रमजान और ईस्टर की ढेर सी बधाइयाँ, क्योंकि हम लोग कोविड के दूसरे दौर में हम लोग चल रहे हैं। तो खासकर जो 65 साल से ऊपर वृद्ध जन हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो, और 10 साल से छोटे बच्चे, त्योहारों में एक ऐसा दौर चलता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित होने लगते हैं घर भी और बाहर पे भी। तो आप सारे लोगों को ध्यान रखना होगा, और विशेषकर जो लोग हृदय रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, और जो ब्लड प्रेशर इत्यादि जो गंभीर बीमारियां हैं, उनको तो बिल्कुल भी एक क्राउड जैसे स्थल में बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। घर पे भी अगर रहना है तो बहुत ही सेफली रहें। पिछली नवरात्रि में सारे लोगों ने बहुत ही सहयोग की भावना से कार्य किया, तो इस बार भी आप लोगों को वैसा ही रवैया अपनाना पड़ेगा। बच्चों को बाहर नहीं भेजें, कुछ भी जो खाद्य पदार्थ है वो घर पे वितरित नहीं करें, लोगों के वहाँ भी आस पड़ोस में भी आप उनको नहीं भेजें, बहुत ही अनसेफ है। उसके बदले में आप लोग सूखा अनाज दे सकते हैं, कुछ ऐसा पैकिंग वाला सामान भी दे सकते हैं जो वो लंबे समय तक उसको यूज़ कर लें। जो लोग ये भी ना कर पाएँ वो अनाथ आश्रम चले जाएँ, या ऐसी ढेर सी जगह होती हैं जहाँ पर आप उनका सहयोग कर सकते हैं। और इस कोविड में चूँकि सबसे अधिक जो परेशानी हुई है वो आर्थिक के तौर पर हुई है, तो आप बच्चों को अगर उनके खाते में या शिक्षा से संबंधित कुछ दान करेंगे तो इस नवरात्रि ज़्यादा बेहतर होगा और माता हमारी प्रसन्न होंगी।